नमस्ते, मैं हूँ रेणुका। तो आप सबका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के वीडियो में मैं आपको किचन में इस्तेमाल होने वाले कोलगेट के कुछ हैक्स बताने वाली हूँ कि हम कोलगेट का हमारे किचन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मगर उससे पहले, अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि मेरे हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो हम कोलगेट का इस्तेमाल हमारे जो चांदी के जेवर होते हैं उन्हें चमकाने के लिए भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ एक आधा कप पानी लिया है, फिर उसके बाद हमें इसमें एक आधा चम्मच कोलगेट डालना है और इस कोलगेट और पानी को हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और इस पानी में हमें हमारे जो चांदी के जेवर होते हैं उन्हें 15 मिनट तक भिगो के रखना है। तो मैंने अभी यहाँ इस पानी में चांदी के जेवर को भिगो के रख दिया है। तो अभी हमें इन्हें ऐसे ही 15 मिनट तक रहने देना है। तो अभी 15 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए अभी इस चांदी के जेवर को कितनी अच्छी तरह से शाइन आ चुकी है। फिर हमें एक वेस्ट ब्रश लेना है जो आपको आसानी से घर में मिल जाएगा, और इस ब्रश से हमें इस जेवर को अच्छी तरह से ऐसे ब्रश करना है। तो इससे जेवर का शाइन और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा और जेवर और भी ज़्यादा चमकने लगेगा। तो ये देखिए अभी इस जेवर को कितनी अच्छी तरह से शाइन आ चुका है। फिर उसके बाद हमें इसे एक अच्छे पानी में धो लेना है और इसे हमें एक कपड़े से पोंछ देना है। हमारे किचन में जो टाइल्स होते हैं और उनके बीच में जो बहुत सारा ऐसे कचरा फंस जाता है तो उसे भी हम कोलगेट से अच्छी तरह से साफ कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, इस कोलगेट से साफ करने से इसकी जो चिकनाई होती है वो चली जाती है। तो हमें इसे अच्छी तरह से थोड़ा पानी लगा के इसे ऐसे ब्रश करना है तो इसे टाइल्स चमकने लगेंगे। हमारे किचन में जो खाना बनाने की शेगड़ी होती है जिसे हम गैस कहते हैं, तो उस पर क्या होता है, जब हम खाना पकाते हैं तो बहुत सारा उस पर तेल गिर जाता है या खाना गिर जाता है, तो उससे वो गैस की जो शेगड़ी होती है वो बहुत ही ऑयली बन जाती है। तो इस कोलगेट से ब्रश करने से ये चिकनाई दूर हो जाएगी, उसका ऑयल जो सारा ख़त्म हो जाएगा। हमारे घर के सिंक का जो नल होता है तो उसे भी साफ करने के लिए हम कोलगेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो भी अच्छी तरह से साफ हो जाता है। तो ये देखिए कितनी अच्छी तरह से इस नल को शाइन आया है। हम कोलगेट का इस्तेमाल हमारे जो घर के खिड़की के कांच होते हैं उन्हें क्लीन करने के लिए, उन्हें शाइन लाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इससे भी खिड़की के कांच बहुत ही अच्छी तरह से साफ हो जाते हैं।
हम इस कोलगेट से हमारे जो किचन का सिंक होता है उसे भी अच्छी तरह से क्लीन कर सकते हैं। हमारे घर का जो मिक्सर होता है और हम जब उस पे मसाला बनाते हैं तो क्या होता है, मसाला बनाते वक्त मिक्सर पे बहुत सारा मसाला गिर जाता है और मिक्सर बहुत ही ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो हम वो मिक्सर भी इस कोलगेट से अच्छी तरह से साफ़ कर सकते हैं। तो हमें कोलगेट लगा के एक ब्रश से इस मिक्सर को अच्छी तरह से इसे घिसना है, तो इससे ये मिक्सर भी अच्छी तरह से साफ़ हो जाएगा। तो ये देखिए, ये मिक्सर भी कोलगेट से कितनी अच्छी तरह से साफ़ हो चुका है, कितनी अच्छी तरह से इस मिक्सर को शाइन आ चुकी है। तो आप ऐसे ही इस कोलगेट का अपने किचन के सफाई में इस्तेमाल कर सकते हो। तो आज के वीडियो में इतना ही, तो फिर से मिलते हैं और एक नए वीडियो में। तो थैंक्स फ्रेंड्स वॉचिंग माई वीडियो।